ललित जी मतलब बंदा वेग तेज है आदमी में तो फेंके वेग तेज है ना बंदे तेर जाते हैं पिपर जो है बारिश का दौर तो थम चुका है लेकिन वो अपनी तबाही के निशान किस कदर छोड़ गया है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये सिरोही जिला अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड है और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो पूरी छत है ये बारिश की वजह से गल करके नीचे गिरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वार्ड है यहाँ पर 30 दिन से लगाकर 18 साल की उम्र तक के बच्चों को रखा जाता है। ये जिला अस्पताल का पीडियाट्रिक वार्ड है और यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी छत जो है ये पीयूवी की छत है और ये यहाँ पे मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि ये पंखे को दिखाई देखिए किस तरह से ये पंखे तक मुड़ गए हैं और कितना खतरनाक साबित हो सकता था ये पूरा हादसा जो हुआ है। गनीमत यह रही कि एक दिन पहले ही बच्चों को दूसरे वार्ड पे शिफ्ट किया गया है। यहाँ पे हमारे साथ अस्पताल स्टाफ के कुछ लोग मौजूद हैं जो बताएंगे कि क्या हुआ था असल में और ये कब हुई है घटना, ये कुछ बताएंगे किस तरह से हुआ है पूरा जो घटनाक्रम हुआ। ये सुबह 8:15 की घटना है और मैं स्टाफ रूम में मौजूद था और उस टाइम पे मैंने तो आवाज़ सुनी है और इस टाइम पे कोई बच्चा मौजूद नहीं था वार्ड के अंदर। क्या मतलब इससे पहले भी कभी लगा है कि ये टूटने जैसा है या कुछ? ना ना ऐसा कुछ नहीं था, इसमें पहले भी बच्चे वगैरह सब रहते थे, तीनों वार्ड फुल रहते थे लेकिन हमने बारिश की वजह से हमने दोनों वार्ड खाली थे तो इस वजह से शिफ्ट कर दिया था। मतलब एहतियात के लिए आपने पहले से शिफ्ट कर दिया था। ये अगर ये आप इसका वजन देख सकते हैं, ये अगर यहाँ एडमिट किसी बच्चे के ऊपर गिरा होता तो कितना जानलेवा साबित हो सकता था उसके लिए। ये यहाँ पर ये देखिए ये पूरा रास्ता है आने जाने का, ये रास्ता किस तरफ जाता है बता सकते हैं? लेट बात के लिए तो यहीं से आना जाना हो यहाँ भी है और पीछे भी है उधर उसके वार्ड पे दूसरा लेट बात है इस वाले के लिए। तो जब ये बच्चे ये जब हुआ उस समय ये पूरा खाली था यहाँ पे कोई बच्चा पूरा खाली था कोई नहीं था।